हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 3 की फुल समरी, जो कि मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। चैप्टर नंबर 3, जो बच्चे SOL दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA प्रोग्राम फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, उनका चैप्टर नंबर 3 है इंग्लिश ए का, हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, जो कि सलमान रश्दी ने लिखी है। ठीक है ना, तो मैं इसके बारे में आपको आज बताऊंगा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ऐसे मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा जिसके अंदर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं चैप्टर शुरू करता हूँ। अलिफ बे वाज द सैडेस्ट सिटी इन द कंट्री, जो अलिफ बे जगह थी, वो जो सिटी थी, वो सबसे ज्यादा सैडेस्ट सिटी थी कंट्री की। इट स्टूड बाय ए ग्लूमी सी फुल ऑफ ग्लम फिशेज विच वर एवरी अनईटेबल। देखिए, वो एक तरह से ऐसे समुद्र, ऐसे ग्लूमी समुद्र में ऐसी मछलियां जो थी, जो खाने योग्य नहीं थी, उससे वो समुद्र भरा हुआ था, जिस समुद्र के किनारे अलिफ बे सिटी थी। ठीक है ना, वो बोल रहा है कि अनईटेबल फिशेज थी वो सारी, ग्लम फिशेज, जिन्हें खाया नहीं जा सकता है, जंगली फिशेज भी कह सकते हैं। द सैड सिटी हैड बिग फैक्ट्रीज इन द नॉर्थ। देखिए, जो सैड सिटी है अलिफ बे, उसके नॉर्थ में बहुत ज्यादा बिग फैक्ट्रीज हैं, जिसमें से धुआं, पोल्यूशन सब निकलता रहता है। दोज फैक्ट्रीज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड सैडनेस इन द फॉर्म ऑफ डार्क स्मोक। ये कह रहा है कि वो फैक्ट्रियां जो थी वो मैन्युफैक्चर करती थी, मतलब सैडनेस को, दुखपन को मैन्युफैक्चर करती थी, किसके रूप में, डार्क स्मोक के रूप में। मैंने बताया ना आपको, जैसे कि धुआं, जो काला स्मोक के रूप में, जो कि पोल्यूशन फैलाता था। हाउएवर इन द ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी एंड रूइंड बिल्डिंग्स लिव्ड इन हैप्पी यंग फेलो नेम्ड हारून। देखिए, ये कह रहा है कि हाउएवर इन द ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी, मतलब सिटी के पुराने एरिए में, पुराने पार्ट में, रून बिल्डिंग, जहां पर बिल्डिंग टूटी हुई है, लिव्ड अ हैप्पी यंग फेलो नेम हारून। वहां पर एक यंग फेलो रहता है, एक बच्चा रहता है जिसका नाम है हारून। ही वॉज ओनली चाइल्ड ऑफ राशिद खलीफा। वह एकमात्र अपने पिता राशिद खलीफा का बच्चा है या बेटा है, फेमस फॉर हिज चेरी स्टोरीज। मतलब देखिए, जो राशिद खलीफा है ना, वो एक स्टोरी टेलर है। इसमें बताया गया कि वो एक स्टोरी टेलर है, वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाता है। He could go on telling short and winding, never ending tales. देखिए, वो इसलिए famous भी है क्योंकि वो ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जिनका कभी अंत नहीं होता, और घुमा फिरा कर वो इंटरेस्टिंग बनाते रहता है उनकी अपनी स्टोरीज में, अपनी कहानियों में, लेकिन वो सच नहीं होती वो सारी कहानी, जिनका कभी एंड नहीं होता, लेकिन वो ऐसी टेल्स होती हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा, दिस स्किल अर्न्ड हिम टू निकनेम्स, हिज एडमायर्ड कॉल्ड हिम द ओशन ऑफ नेशन। देखिए, उसे इसी वजह से इसके दो नाम मिले हैं, जो ऐसी स्टोरी सुनाने की वजह से ही, जो राशिद खलीफा है उसके दो नाम पड़े हैं। देखिए, जो उसके एडमायर है, जो उसके प्रशंसक है, उसे कहते हैं ओशन ऑफ नोशंस। ठीक है, या ओशन ऑफ नेशन भी बोल सकते हैं हम, कि समुद्र, जिसमें कि कहानियों का समुद्र, कहानियां भरी हुई जिस समुद्र में हो, उसे ये बोलते हैं। और बिकॉज ही वॉज स्टफ्ड विद स्टोरीज जस्ट एज द सी वॉज फुल ऑफ ग्लम फिश, क्योंकि वो इस तरह से स्टोरीज उसके दिमाग में, उसके अंदर भरी हुई हैं, जिस तरह की ग्लम फिश समुद्र में भरी हुई है। एंड द जेलस राइवल्स कॉल्ड हिम द शाह ऑफ ब्ला, लेकिन जो उससे जेलस फील करते हैं, जो उसके राइवल्स हैं, वो उसे बोलते हैं शाह ऑफ ब्ला, यानी बेकार, व्यर्थ। ठीक है ना, फॉर मैनी ईयर्स ही प्रूव्ड हिमसेल्फ अ गुड हस्बैंड एंड अ गुड फादर। लगभग कई सालों से वो अपने को एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा फादर प्रूव कर रहा है, और है भी वो एक इस स्टोरी के थ्रू। तो ही हैड रेडी लाफ्टर वाइल हिज वाइफ सोराया हैड ए स्वीट वॉइस। देखिए, वो हमेशा ही हंसाता रहता है लोगों को, है ना, और उसकी तरफ दूसरे, अगर उसकी वाइफ की तरफ नजर रखें तो उसका नाम है, या नजर डालें हम तो उसका नाम है सोराया। ठीक है, और वो स्वीट वॉइस है, उसकी वॉइस जो है स्वीट है। शी सैंग, वह गाना गाती है। हारून वाज लकी टू ग्रो अप इन द सच ए हैप्पी होम। हारून बहुत लकी है चाइल्ड कि वो ऐसी फैमिली में ग्रो करा। वन डे ऑल ऑफ ए सडन समथिंग वेंट रॉन्ग, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि सब कुछ बुरा या सब कुछ बर्बाद हो जाता है। द फैमिली वॉज इन्फेक्टेड बाय द पॉइजन ऑफ सैडनेस। उसकी फैमिली, हारून की फैमिली इन्फेक्टेड हो जाती है एक तरह से पॉइजनस से, सैडनेस से, दुखीपन से, या दुख फैल जाता है उसकी फैमिली में। इट आल्सो बिकम एज सैड एज सिटी वॉज। वो अभी उसकी फैमिली भी ऐसे ही सैड हो जाती है जैसे कि वो सिटी है, अलिफ पे जो सिटी है जिसमें वो रहते हैं। सोराया वंस स्टॉप्ड सिंगिंग इन द मिडल ऑफ अ लाइन। सोराया बीच में ही सिंगिंग करना छोड़ देती है। हारून ग्रेस्ड दैट देवर ट्रबल ओवरटेकिंग हिज फैमिली। हारून जो है अपनी फैमिली की परेशानियां और ये सब कुछ सहन कर रहा है, वो देख रहा है कि उसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है,
Rashid Khalifa was so busy making up and telling stories that he couldn't notice the change in his wife behavior. देखिए राशिद खलीफा इतना बिजी था स्टोरी बनाने में, स्टोरी बोलने में, स्टोरी लोगों को सुनाने में कि वो कभी नोटिस ही नहीं कर सका उसके वाइफ के बिहेवियर में चेंज आ गया. ही वॉज ए बिजी मैन, वो बहुत बिजी था इन ग्रेट डिमांड बिकॉज ही ड्रो ए लार्ज क्राउड व्हेन ही क्लाइम्ड अप ए स्टेज टू अम्यूज द पीपल विद हिज टेल. क्योंकि इसलिए बिजी था कि वो बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड थी स्टोरी टेलिंग के मामले में, यानी कि उस लोग उससे स्टोरी सुनना चाहते थे इंटरेस्टिंग. जब भी वह चढ़ता था स्टेज पे लोगों को हंसाने और उनको खुश करने के लिए अपनी टेल से, नॉट ओनली द पुअर चिल्ड्रन, ना सिर्फ गरीब बच्चे, वेरी ओल्ड वंस क्लैप्ड, और साथ के साथ बूढ़े बच्चे व्यक्ति भी, आल्सो द एनिमल लाइक कॉज मंकी एंड पैरट शोज इंटरेस्ट इन टेल. यानी कह रहा है जब वो अपनी कहानियां सुनाता था ना सिर्फ बच्चे, ना सिर्फ बूढ़े औरतें महिलाएं, कोई सब तो ताली बजाते ही थे, बल्कि एनिमल्स भी लाइक काउ मंकी एंड पैरट वो भी अपना इंटरेस्ट दिखाते थे उसकी स्टोरी में, यानी कि आसपास बैठ जाते थे. हरोन वॉज वेरी एनग्जिस्ट नो वेयर हिज फादर स्टोरीज कम फ्रॉम. हरोन बहुत ज़्यादा जिज्ञासु था यह जानने में कि उसके पिताजी की जो स्टोरी का जो सोर्स है वो क्या है. राशिद टेल्स वर अ मिक्सर ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन प्रोसेस विद अंक. देखिए राशिद की जो टेल्स होती थी, जो कहानियाँ होती थी, जो कथाएँ होती थी, वो मिक्सअप होती थी, जैसे फैक्ट और फिक्शन से मिक्स करके वो बनाता था, जिसमें चुड़ैल, रिफेंस, हीरोज होते थे, और मतलब एक तरह से असुर होते थे, हॉन्टिंग ट्यून्स होती थी, जिसमें ये सब चीज़ों का मिक्स करके वो एक ऐसी कहानियाँ गढ़ता था जो कि लोगों को इंटरेस्ट आता था. हरून ऑफन क्वेश्चन हिज फादर. हरून अपने फादर से क्वेश्चन भी पूछा था अबाउट द सोर्स ऑफ हिज स्टोरी, उसकी स्टोरीज का सोर्स का, बट राशिद नेवर गेव हिम ए स्ट्रेट एंड सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई. लेकिन राशिद कभी भी उसे स्ट्रेट और सही आंसर नहीं देता था. ही ओनली टर्न्ड हिज आइज ब्राउन एंड सेड दैट ही गॉट हिज टेल्स फ्रॉम द ग्रेट स्टोरी सी. वो इससे अपने बेटे से कहता था कि सिर्फ उसकी कहानी का जो सोर्स है वो एक समुद्र है जहाँ से वो अपनी कहानी को लेके आता था. स्टोरीज फ्लोड फ्रॉम अन इनविजिबल टैप सेट अप बाय द वाटर स्पिरिट. और उसका एक नल है समुद्र का जो कि उसके दिमाग में खुलता है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो टैप को खोलता है और स्टोरीज निकाल लेता है. द खलीफाज लिव्ड इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए स्मॉल हाउस विद पिंक वॉल. देखिए अब इनके जो रहने का जो एरिया है उनके घर के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन यहाँ बता रहे हैं. द खलीफाज यानी उनका जो घर है वो ग्राउंड फ्लोर का है, इस छोटा हाउस है, पिंक कलर की वॉल्स हैं, ग्रीन विंडो है और ब्लू बालकनीज हैं. इट लुक्ड मोर लाइक ए केक देन ए बिल्डिंग. वह बिल्डिंग की बजाय केक की तरह लगता है. इट वॉज नाइदर द हाई राइज बिल्डिंग फॉर अ सुपर रिच मोर नॉर बट अ वेरी पुअर मैन. यह कह रहा है कि ना तो बहुत बड़ी पैसे वाली लोगों की बिल्डिंग की तरह लगती है और ना ही गरीब लोगों की झोपड़ी की तरह. सो हरून वॉज अ लकी चाइल्ड. इस तरह हरून जो था वो लकी चाइल्ड था, अपने माँ बाप के यहाँ जन्मा था. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे कह रहा है हरून वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. हरून जो था अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी. ही वॉन्टेड टू नो वाई हिज पेरेंट डिड नॉट ब्रिंग टू द वर्ल्ड मोर चिल्ड्रन. वो जानना चाहता था कि उसके माता पिता ने और संतान को जन्म क्यों नहीं दिया, या और बच्चे पैदा या उसके भाई बहन क्यों नहीं किए. हिज फादर राशिद वुड नेवर टेक ए शॉर्टकट इफ देयर वॉज ए लॉन्गर रोड अवेलेबल. उसके पिताजी ऐसे थे वो शॉर्टकट नहीं लेते थे, हमेशा लॉन्ग रोड ही लेते थे. इस वजह से वो अपने आंसर्स भी घुमा फिरा के देते थे, सीधा नहीं देते थे. ही सेड वह कहते थे अपने बेटे से दैट ही हैड यूज अ फुल कोटा ऑफ चाइल्ड मेकिंग स्टफ फॉर मेकिंग बॉय लाइक हरून. वो कहते थे जो हमारे पास जितना भी कोटा था बच्चा बनाने का, बच्चे बनाने का, वो हमने हरून को बनाने में खर्च कर दिया है. वो हरून से बोलते थे. सो हरून वाज इक्वल टू 4-5 किडीज. तो हरून 4-5 बच्चों के बराबर है. बट सोरोया गेव ए सिंपलर रिप्लाई, शी एडमिटेड सैडली. लेकिन जो उसकी मदर थी, हरून की मदर थी सोरोया, वो इसको सिंपल रिप्लाई देती थी. वो कहती थी, ये एडमिट करती थी दुखी होकर दैट दे डिड ट्राई टू हैव मोर चिल्ड्रन बट फेल्ड. उन्होंने कोशिश तो करी और बच्चों के लिए कोशिश करी लेकिन वो फेल हो गए. देयर वॉज अनदर कपल लिव्ड अपस्टेयर एट हरून बिल्डिंग सेनगुप्ता. देखिए अब यहाँ पर कहानी में मोड़ आता है. यहाँ पर क्या है कि जो हरून जहाँ रहता है ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग में, उसके ऊपर वाले जो अपस्टेयर पे फर्स्ट फ्लोर पे हरून के बिल्डिंग के सेनगुप्ता नाम की एक फैमिली रहती है. मिस्टर सेन गुप्ता वाज ए क्लर्क. मिस्टर जो सेन गुप्ता है वो क्लर्क है एक ऑफिस में, सिटी कॉरपोरेशन में, सिटी की कॉरपोरेशन में. ही वाज थिन एंड माइजर. वे बहुत ही पतले और कंजूस हैं. बट हिज वाइफ ओनिता, और उनकी वाइफ है जिनका नाम है ओनिता, वाज फैट एंड जेनरस. वो बहुत ज़्यादा मोटी हैं और जेनरस, एक अच्छी महिला, सभ्य महिला हैं. एज ए रिक्वेस्ट ओनिता
showed her affection on Haroun. हमेशा जो as a result, मतलब एक result के through हमने देखा कि ओनिता जिस तरह से वो सभ्य महिला है, तो वो उनकी कोई child नहीं, उनकी कोई औलाद नहीं है, तो वो Haroun जो नीचे रहता है उस पर अपना प्यार लुटाती रहती है, मतलब उनसे प्यार करती है. She brought him sweets, meats and hugged him. वो हमेशा उसको एक मीठी मिठाइयाँ खिलाती है, चीज़ें खिलाती है और उसे हक करती है. Haroun however did not like the touch of her loose flesh. लेकिन Haroun ये पसंद नहीं करता उसका हक करना, क्योंकि उसे उसके जो मोटी है वो महिला और उसके मांस का जो लोथड़ा है, मतलब जो मांस है उसके बदन का, वो लूज फ्लैश को वो पसंद नहीं करता जो उसको टच करते हैं. मिस्टर सेनगुप्ता इग्नोर्ड Haroun. मिस्टर सेनगुप्ता जो है Haroun को इग्नोर करते हैं. ही शोड इंटरेस्ट इन Soraya. लेकिन मिस्टर सेनगुप्ता जो है, मिस्टर सेनगुप्ता वह Haroun को तो अनदेखा करते हैं, लेकिन उसकी मदर में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं. क्या नाम है उनका? Soraya का. ही यूज टू क्रिटिसाइज Rashid. वो हमेशा Soraya के सामने Rashid की, यानी उनके पति की बुराई करते रहते हैं और उनकी स्टोरीज की बुराई करते रहते हैं. ही टोल्ड हर लाइफ वॉज नॉट ए स्टोरी बुक और जोक शॉप. वो कहते हैं उससे कि लाइफ एक स्टोरी बुक नहीं है, ना ही जोक की बुक है, जो कि हमेशा इसी पे कामों में लगे रहना है, इनसे कुछ नहीं होता. सो देयर वॉज नो यूज ऑफ मेक ए बिलीव स्टोरीज. तो इनका कोई काम नहीं है, ये कोई सत्य नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है. Haroun began to hate मिस्टर सेनगुप्ता बिकॉज द लेटर स्पोक अगेंस्ट Rashid. लेकिन Haroun जब अपनी माता की, अपनी मम्मी की और मिस्टर सेनगुप्ता के बीच होने वाली बात को सुनता था, तो वो Haroun ने स्टार्ट कर दिया मिस्टर सेनगुप्ता से घृणा करना, क्योंकि वो उसके पिता की बुराई करते रहते थे. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए आगे इस स्टोरी में एक और मोड़ आता है. आगे कह रहा है, One day when Haroun was returning home from school, he was caught in first downpour of the rainy season. देखिए बारिश बहुत तेज हो रही थी और वह अपने स्कूल से जब वापस घर आता है, ही सो मिसिस ओनिता स्टैंडिंग ऑन हर अपस्टेयर बालकनी एंड क्राइंग. जो मिसिस ओनिता है वो अपनी बालकनी में खड़ी है और वो रो रही है. ठीक है. इनसाइड द हाउस Rashid फेस वॉज ऑल्सो वेट विद टीयर्स. अंदर जाता है अपने घर में तो देखता है कि उसके पिता के फेस भी बहुत ज्यादा दुखी है और वो आंसुओं से गीला हो रहा है. द बिग बैड न्यूज वॉज दैट Haroun मदर Soraya हैड रन ऑफ विद मिस्टर सेनगुप्ता. बुरी खबर ये थी कि जो Haroun की मदर थी Soraya, वो मिस्टर सेनगुप्ता के साथ भाग जाती है. At 11 a.m., she had sent Rashid to Haroun's room to search for some missing socks. देखिए होता ये है, जब Haroun स्कूल चला जाता है उसके बाद 11 बजे सुबह जो Rashid को है ना, Soraya अपने रूम में भेजती है Haroun के और कहती है कि सर्च करके लाइए मिसिंग सॉक्स, उसकी जो Haroun की सॉक्स खो गई हैं उसे ढूंढ के लाइए. इतने में दैट वॉज ए पार्ट ऑफ हर प्लान. ये उसके पार्ट था प्लान का, टू गेट अवे विद सेनगुप्ता, के भाग जाए वो सेनगुप्ता के साथ इन टैक्सी, यानी कि वो जब वो ढूंढने जाए उसकी सॉक्स को तो इसे उतना टाइम मिल जाए भागने के लिए मिस्टर सेनगुप्ता के साथ टैक्सी में. बिफोर एलोपिंग शी लेफ्ट ए नोट. भागने से पहले वो एक नोट छोड़ के जाती है, रिपीटिंग द नास्टी थिंग्स मिस्टर सेनगुप्ता यूज टू से अबाउट Rashid. ये कहते हुए कि Rashid के बारे में मिस्टर सेनगुप्ता ने क्या क्या बोला था जो कि उसे भी लगता था कि वो सच है. बट शी एंडेड द लिटल सॉरी शी एंडेड द लेटर एक्सप्रेसिंग हर अफेक्शन फॉर Haroun. लेकिन आखिर में जो लेटर में, वह शुरू में तो बुराई करती है वो Rashid की, लेकिन लास्ट में लेटर में वो Haroun के प्रति प्यार भी दिखाती है. Haroun आल्सो सॉरी Rashid लुक्स सो पैथेटिक. Rashid बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो गए. Haroun आल्सो अक्यूज हिम फॉर वेस्टिंग हिज टाइम एंड एनर्जी इन टेलिंग अनट्रू स्टोरीज. Haroun भी उस पर गुस्सा करता है अपने पिता पर कि क्यों आप बिना बात की, जिन कहानियों को कोई मोल नहीं था, कोई सच नहीं था, उन्हें क्यों सुनाते रहे अपनी लाइफ में. Rashid wept. Rashid रोने लगता है. द बॉय आल्सो फेल्ट सॉरी फॉर टेलिंग हिज फादर सच हार्श वर्ड. लेकिन Haroun को भी बाद में महसूस होता है कि उसने अपने पिता के बारे में जो भी बोला वो उसे सही नहीं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था. ही वॉन्टेड टू गेट हिज वर्ड बैक. वह अपने शब्दों को वापस लेना चाहता है, बट ही कुडंट डू दैट. लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता. द चार्ज हार्ड Rashid सो बैडली दैट ही रन आउट ऑफ हिज स्टोरीज ऑल टुगेदर. बाद में होता यह है कि Rashid सब कुछ भूल जाता है, बिल्कुल एकदम सुन पड़ जाता है और अपनी स्टोरीज के सारा सोर्स भूल जाता है ना, उस अब वो स्टोरी सुना पाता ना कुछ कर पाता काम. Haroun ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर हिज फादर्स लॉस. Haroun अपने को ही ब्लेम करता है उसके पिता की इस हालत का कि उसने अपने पिता को ऐसे वर्ड्स बोले थे. चलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए. मैं आपको अब आगे के टॉप 10 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जिसके अंदर से ही आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विद क्वेश्चन आंसर मैं आपको दोनों ही दूंगा. चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं. पहला क्वेश्चन है,
How does Salman Rushdie describe the city in Alifbe and its location? देखिए कैसे हम जो राइटर है वो इस सिटी के बारे में डिस्क्राइब करता है इस स्टोरी में. It was the saddest of the city in the country of Alifbe. मतलब Alifbe सबसे ज़्यादा saddest सिटी है कंट्री की. It was so intensely sad and that it had forgotten its name. मतलब इतनी बुरी है वहाँ लोग जाते हैं अपना नाम तक भूल जाते हैं. It stood by a mournful sea. मतलब एक समुद्र के किनारे है जिसे मॉनफुल सी बोला गया. मतलब एक सैड सॉन्ग होता है मॉनफुल जो सॉन्ग होते हैं उसी तरह से वहां पर भी एक तरह से सैडनेस फैली हुई है चारों तरफ. विच हैड प्लेंटी ऑफ ग्लम फिश नॉट वर्थ ईटिंग. और उस समुद्र के अंदर प्लेंटी ऑफ ग्लम फिश भरी हुई है नॉट वर्थ ईटिंग जो खाने योग्य नहीं है क्योंकि वहां पर आसपास जो फैक्ट्रियां हैं उससे निकलने वाला जो पोल्यूशन है यानी उससे निकलने वाला जो केमिकल है वो सीधे समुद्र में बहा दिया जाता है जिसकी वजह से वहां पर एक तरह से ग्लम फिशेज हैं सारे बेकार. सारा पानी भी बेकार है वहां का. ठीक है ना. नेक्स्ट है व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ राशिद पॉपुलैरिटी. राशिद की पॉपुलैरिटी का सीक्रेट क्या था. ठीक है. द सीक्रेट ऑफ राशिद पॉपुलैरिटी वाज दैट ही कुड keep the audience spellbound with his fantastic tales. The political leaders and his two campaign for them at the election rallies. देखिए क्या होता था कि राशिद की पॉपुलैरिटी सीक्रेट ये था कि उसकी जो स्टोरीज होती थी जो वो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेता था अपनी तरफ अपनी स्टोरीज से. ठीक है ना. घुमा फिरा कर वो ऐसी स्टोरीज बनाता था जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाती थी. इसी वजह से वो पॉलिटिशियंस लीडर्स का भी फेवरेट था क्योंकि जब पॉलिटिशियंस जब इलेक्शन के समय क्या था उसको बुला लेते थे. वो एक फेस बन चुका था लोगों के सामने जाना पहचाना चेहरा बन चुका था तो वो इलेक्शंस के अपने रैलीज में अपने कैंपेन में उसको बुलाते थे कैंपेन्स होते थे और वहां पर स्टोरीज सुनवाते थे उससे. ठीक है ना. तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड मिस्टर सेनगुप्ता पॉइजन्स द ईयर्स ऑफ सोरोया एंड सीड्यूस हर टू अलॉप टू हिम. देखिए मिस्टर सेनगुप्ता ने कैसे सोरोया के कानों में पॉइजन भरा राशिद के खिलाफ और कैसे उसे सीड्यूस करा उसे उकसाया और क्या भाग जाने के लिए अलॉप टू हिम यानी अलॉप माने भाग जाने के लिए उसके साथ. ठीक है ना. मिस्टर सेनगुप्ता टू के लाइकिंग फॉर सोराया. देखिए मिस्टर सेनगुप्ता स्टार्ट करते हैं उसे लाइक करना शुरू में जब वो मिलते हैं. शी वाज ऑलरेडी अनहैप्पी एज फेल्ट नेगलेक्ट टू हर हस्बैंड हु हैड ए बिजी लाइफ. देखिए वो वैसे भी परेशान थी उस समय क्योंकि उसके हस्बैंड उसे एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहे थे. बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे बेकार की स्टोरीज बनाने में. हर हस्बैंड रिमेंड आउट कलेक्शन पीपल टू मतलब फेल्ट वो हमेशा ही बाहर रहते थे और कलेक्टिंग पीपल लोगों को इकट्ठा करते थे स्टोरीज सुना के अपनी बेकार की. शी फेल्ट लोनली वो हमेशा फील करती थी अकेलापन और दुखीपन. शी रेस्पॉन्डेड टू मिस्टर सेनगुप्तास ये कह रहा ओवरटर्स. ठीक है. इसमें क्या है कि वो जब मिस्टर सेनगुप्ता उसे थोड़ा अट्रैक्शन देते हैं उसे नोटिस करना स्टार्ट करते हैं तो वो भी उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि वो उस समय अकेली और एकदम सैड होती है. ही क्रिटिसाइज्ड राशिद फॉर नॉट टेकिंग लाइफ सीरियसली. और वो उसके कान भरते हैं राशिद के खिलाफ कि राशिद अपनी लाइफ सीरियसली नहीं ले रहा है वो अपनी फैमिली को ध्यान नहीं देता है. फॉर कैरिंग फॉर हिज ओन प्लेजर एंड नेगलेक्ट हर. वो अपने स्वार्थ के लिए ये सब उसके कान भरते हैं. ही क्वेश्चन द अनटिलिटी ऑफ टेलिंग स्टोरीज विच वर नॉट रियल. वो कहता है क्या फ़ायदा ऐसी स्टोरी से जो रियल ही नहीं है. दस ही persuaded her to run off with him. यही कारण था जब वो उसे मना लेते हैं या उसे उकसा लेते हैं भाग जाने के लिए उसके साथ. लास्ट चौथा क्वेश्चन है नेक्स्ट What explanation did Rashid give to Haroun when he wanted to know why his parents did not bring more children? वही क्वेश्चन आ गया. देखिए कि राशिद से हरून क्यों पूछता है कि उनके पिता ने दूसरे बच्चे और क्यों पैदा नहीं करे तो राशिद क्या आंसर देता. राशिद said that we use up all full quota of children making stuff just in making you. वो कहते हैं कि जितना भी मेरे पास कोटा था बच्चे बनाने का वो मैंने सिर्फ तुम्हें बनाने में खर्च कर दिया. यू यानी कि हरून वाज इक्वल टू 4 or 5 किडीज. तुम 4-5 बच्चों के बराबर हो तो इसलिए हमें किसी और बच्चे की जरूरत थी ही नहीं. चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पांचवा नंबर का हरून आस्क हिज फादर 3 क्वेश्चंस. व्हाट वाज दैट. देखिए हरून ने अपने पिता से पूरी स्टोरी में 3 क्वेश्चन पूछे हैं. वो कौन से हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट द सोर्स ऑफ हिज स्टोरीज वाज. उसकी कहानी का क्या सोर्स था. उसकी स्टोरी जो राशिद सुनाता था हरून चाहता था उसकी स्टोरीज का क्या सोर्स है वो जानना चाहता था. व्हाई ही डिड नॉट हैव मोर चिल्ड्रन. उसने क्यों नहीं और बच्चे पैदा किए. ठीक है. व्हाई ही ब्रोक हिज हरून्स क्लॉक टू बिट्स फॉर और व्हाट इज द यूज ऑफ स्टोरीज दैट अरंट एवेंचर या इवन ट्रू. सॉरी इवन ट्रू है. ये कह रहे हैं कि क्या क्यों उसने उसकी घड़ी तोड़ दी और दूसरा ये पूछ रहा है इसी के साथ कि उसकी स्टोरीज का क्या सोर्स था जबकि वो स्टोरीज सही नहीं या सच्ची नहीं होती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
Why do you think Soraya run away with Mr. Sengupta? क्यों लगता है आपको कि Soraya Mr. Sengupta के साथ भाग जाती है? Soraya turned to Mr. Sengupta chiefly because Rashid had no time for her. She starved for emotional support. देखिए Rashid तो उसे समय नहीं दे पाता था, वो बहुत ज़्यादा busy था story telling में, तो वह चाहती थी एक इमोशनल सपोर्ट जो कि उसे मिस्टर सेन गुप्ता से मिला. बट हर हस्बैंड वाज मच टू बिजी इन मेकिंग अप स्टोरीज एंड टेलिंग देम टू क्राउड ऑफ पीपल. लेकिन उसके हस्बैंड जो थे वो तो बहुत ज़्यादा बिजी थे स्टोरी बनाने में और उन्हें लोगों के सामने बोलने में. ऑन द अदर हैंड मिस्टर सेन गुप्ता हैड नो इमेजिनेशन एंड वाज ए प्रैक्टिकल मैन. लेकिन दूसरी तरफ देखें तो मिस्टर सेन गुप्ता की कोई इमेजिनेशन नहीं है, यानी कोई इमेजिनेशन पर्सन नहीं है वो, सिर्फ वो एक प्रैक्टिकल मैन है. इस वजह से वो ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर सेन गुप्ता टेल Soraya अबाउट लाइफ एंड द यूज ऑफ स्टोरीज ऑन लाइफ. कि मिस्टर सेन गुप्ता Soraya को क्या सच्चाई बताते हैं स्टोरीज के बारे में, ये लाइफ से जुड़ी बात स्टोरीज के बारे में. मिस्टर सेन गुप्ता गोट रोमांटिकली इन्वॉल्व विद Soraya, ही एक्सप्लोइड हर रिसेंटमेंट विद Rashid. देखिए मिस्टर सेन गुप्ता जो होते हैं सबसे पहले तो Soraya के साथ एक रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं, अट्रैक्शन दिखाते हैं उसकी तरफ, ठीक है ना, और फिर उसके बाद उसके हस्बैंड की बुराई करते हैं. वो कहते हैं कि वो स्टोरी टेलर है एक तरह से, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जो स्टोरी का कोई सच्चे ही नहीं, मतलब सच ही नहीं है वो स्टोरीज, और सिर्फ वो एक तरह से धोखा है. ही टोल्ड Soraya दैट लाइफ वॉज नॉट ए स्टोरी, के कहानी जो हमारी लाइफ है जीवन है वो स्टोरी बुक नहीं है कि जिसमें जोक भरे हुए या कुछ भी उससे हम काम चला लेंगे. स्टोरीज वॉन्ट मेक अ वुमेन हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. कहता है कि स्टोरीज औरत को ना खुश रख सकती ना सेटिस्फाई कर सकती, ठीक है ना, तो स्टोरीज का कोई मोल नहीं है लाइफ में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड Rashid रिएक्ट टू हिज वाइफ रनिंग ऑफ. देखिए जब Rashid Soraya भाग जाती है तो Rashid का क्या रिएक्शन होता है. Rashid picked up a hammer and smashed the clock to bits. एक हथौड़ा उठाता है और वहाँ पर जो एक घड़ी रखी होती है या वॉल घड़ी, इसमें एग्जैक्ट नहीं पता चला कि वॉल वॉच ही होगी. देन ही ब्रोक अवे एवरी देयर क्लॉक इन द हाउस. और वो सारी घड़ियाँ, चाहे वो दीवार घड़ी हो या टेबल पर रखने वाली जो वॉच होती है वो टेबल वॉच, उन सबको तोड़ देता है, इंक्लूडिंग द वन ऑफ द Haroun's बिसाइड टेबल. और एक सास के साथ वह वॉच भी तोड़ देता है जो Haroun के बेड के बराबर वाले टेबल पर रखी रहती थी, जो Haroun की फेवरेट वॉच थी, ठीक है ना, उसे भी तोड़ देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द मोस्ट अनथिंकेबल थिंग इन दिस स्टोरी. आपको क्या लगता है कि आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा इस स्टोरी में, वो क्या चीज है. द मोस्ट अनथिंकेबल थिंग वाज एज Rashid opened his mouth in front of a huge audience, he found that he had lost his memory and आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. देखिए जब Soraya भाग जाती है तो Rashid इतना दुखी हो जाता है कि जब वह अपना मुंह खोलता है लोगों के सामने स्टोरी बोलने के लिए, तो वह पाता है कि वो सब कुछ अपनी मेमोरी खो चुका है, वह वो आर्ट वह कला भूल गया है जिससे कि वो स्टोरी सुनाया करता था घुमा फिरा कर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ डिड Rashid रन आउट ऑफ स्टोरीज टू टेल. देखिए कैसे हम कब और कैसे Rashid जो है भूल जाता है स्टोरी सुनाना. द डिस्ट्रक्शन बाय द Soraya शॉक्ड Rashid सो इंटेंसली है that he got frustrated, he wept in despair on the stage, he discovered that he had forgotten all his tales. देखिए जब Soraya भाग जाती है मिस्टर सेन गुप्ता के साथ तो वो इतना दुखी हो जाता है, frustrated हो जाता है कि वो स्टेज पर ही रोने लगता है जब उसे पता चलता है कि वह कहानी सुनाना भूल गया है, वो सब कुछ भूल गया, अपनी मेमोरी भूल गया है, ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है. आई होप आपको स्टूडेंट पसंद आई हो वीडियो. मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ही साल के आपके सभी सब्जेक्टों की फुल वीडियो लेके आने वाला हूँ विद समरी विद डिटेल इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम बोथ, ठीक है ना. मुझसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए. क्योंकि आपको पता ही है मेरे लास्ट चैनल पर डिस्प्यूट होने की वजह से मेरा लास्ट चैनल यूट्यूब ने बिल्कुल डिलीट कर दिया था, जिस वजह से मुझे नई वीडियोस लेके आनी पड़ती है. लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ विद इन 1 or 2 months मैं सारा कोर्स अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर दोबारा से. तो प्लीज़ आप वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू. मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेसन के साथ.